वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिसोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है भूली, उसे डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। आज हम उसी चैप्टर के जो आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक क्वेश्चन को चूज करना होता है, जो सही होता है। मैंने जो आंसर सही है उन्हीं को लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। भोली के चेहरे पे दाग हो जाते हैं, जिसको मैंने वीडियो में बताया था कि जब वो 2 साल की होती है तो एक और उस पर अटैक होता है और पूरी बॉडी पे दाग हो जाते हैं। तो वो कितने साल की थी जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है 2 ईयर्स ओल्ड, आंसर नंबर सी। जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गए थे, और जब वो 10 महीने की थी तब वो कोर्ट से गिर गई थी चारपाई से, और उसकी जो मेंटली लेवल है वो थोड़ा कम हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इंसिस्ट रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल खोली गई थी, तो किसने इंसिस्ट किया था, किसने कहा था रामलाल को, भोली के फादर को, कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो? तो उस समय वहां पर तहसीलदार सर आए हुए थे जिन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया था, उन्होंने ही रामलाल को कहा था अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, आंसर नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। टीचर ने भोली को जो है स्कूल के पहले दिन में क्या दिया था? जब वो पढ़ने गई थी स्कूल तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो टीचर ने भोली को पहले दिन बुक दी थी जिसकी सहायता से वो पढ़ना लिखना सीख गई थी, तो आंसर नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाई द बिशंबर। जब भोली की शादी बिशंबर से तय होती है तो शादी वाले समय बिशंबर जो है एक दहेज की मांग रखते हैं, और 5,000 रुपये जो है भोली के फादर रामलाल से मांगते हैं, तो आंसर नंबर है डी, 5,000। हालांकि वो देते 2,000 है, लेकिन बिशंबर की डिमांड होती है 5,000 की, आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। उसने 5,000 मांगे थे पर भोली के फादर ने उसे 2,000 दिए थे उस वक्त। और अब हम बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ी हुई। भोली जो थी वो पिछड़ी हुई क्यों थी बाकी दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में? तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। When भोली was of 10 month old, जब भोली 10 महीने की थी तब क्या हुआ था कि वो अपनी जो चारपाई थी, जो खाट होती है, उससे गिर गई थी, और वो उसके ऊपर भी गिर गई थी, खाट भी उसके ऊपर गिर गई थी, ब्रेन के ऊपर, जिस वजह से उसका मानसिक विकास जो है वो रुक गया और वो दूसरे बच्चों के कंपेयर में ज़्यादा मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाई, ये रीज़न था। When भोली was 10 month old, जब भोली 10 महीने की थी, she falling off the cot, कोट मतलब होती है चारपाई या खाट, उससे वो गिर गई थी, and her head, जैसे वो गिरी उसके सिर के ऊपर क्या हुआ, उसके सिर की के बल गिरी वो, तो उसका जो सिर का पार्ट था वो डैमेज हो गया, विच डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, और जिसकी वजह से उसका दिमागी रूप विकसित नहीं हो पा रहा था और ब्रेन भी डैमेज हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली। भोली के ऊपर दूसरे बच्चे क्यों हंसते थे, क्यों दूसरे बच्चे भोली का मजाक बनाते थे? आंसर है, ड्यूरिंग स्पीकिंग भोली स्टैम्बर्ड एंड देयर फोर अदर चिल्ड्रन मेड फॉर फन फॉर ऑफ हर। बोलते वक्त भोली जो थी थोड़ा सा हकलाती थी, वो पूरे सेंटेंस को या शब्दों को क्लियर नहीं बोल पाती थी। जैसे ही भोली बोलती थी तो दूसरे बच्चों को लगता था कि भोली अटक अटक के बोल रही है, इस वजह से दूसरे बच्चे जो है उस पर हंसते थे, फन मतलब उसका मजाक बनाते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। रामलाल फैमिली मतलब भोली की फैमिली के बारे में बताइए कि उसके घर में कौन कौन था। रामलाल भोली के फादर थे। रामलाल वाज अ रिच फार्मर। रामलाल वैसे तो रेवेन्यू ऑफिसर थे और रिच फार्मर भी थे, उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ही हैड 3 सन, उसके 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी, उनमें से सबसे छोटी भोली थी। हिज ऑल चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, उसके सारे के सारे बच्चे जो थे हेल्दी थे, स्ट्रांग थे, सिवाय एक्सेप्ट भोली, सिर्फ और सिर्फ भोली को छोड़ के। इसका मतलब होता है केवल उसे छोड़ के या के अलावा। तो भोली को छोड़कर बाकी जो भोली के भाई बहन थे सारे स्ट्रांग थे, मानसिक रूप से भी विकसित थे और हेल्दी भी थे, सिर्फ भोली को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई वाज भोलीज फादर वरिड अबाउट हर। वरिड चिंता करना। भोली के फादर रामलाल को हमेशा भोली की चिंता क्यों बनी रहती थी? भोली हैड नाइदर गुड लुक नोर इंटेलिजेंट। भोली जो थी ना ही दिखने में सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, क्योंकि मानसिक रूप से वो अविकसित थी।
शी ऑल्सो स्टैमर्ड देयरफॉर हिज फादर वरीड अबाउट हर, और वो बोलते वक्त थोड़ी हकलाती भी थी, शब्दों को क्लियर नहीं बोल पाती थी, इसलिए उसमें तीसरी कमी ये भी थी कि वो हकलाती थी। इस वजह से उसके फादर को भोले की चिंता रहती थी, वो सोचते थे कि बड़ी होने के बाद भोले से शादी कौन करेगा, इस तरीके से उसके फादर उसकी चिंता करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज भोले सेंट टू स्कूल, भोले को स्कूल कैसे भेजा गया, उसको बताना है कि क्यों भेजा गया था उसको स्कूल में। आंसर है तहसीलदार ऑर्डर्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार आए थे, उन्होंने रामलाल भोले के फादर को ऑर्डर दिया कि तुम अपनी बेटी को क्या करो, स्कूल भेजो। रामलाल हैड नो करेज टू डिसओबे हिम, रामलाल में साहस नहीं था कि वो अपने सीनियर की बात को टाले, इसलिए तहसीलदार के ऑर्डर देने पर रामलाल ने डिसाइड किया कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी भोले को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल ऑफ विशंबर। जैसे ही शादी का विशंबर का जो प्रपोजल आया था, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव आया था भोले के लिए, तो उसकी माँ क्या कहना चाह रही थी, क्या कहा उसकी माँ ने। आंसर है भोलीज मदर सेड, भोले की माँ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम विदाउट डॉरी। उसकी माँ ने कहा कि भोली बहुत ही सौभाग्यशाली लड़की होगी कि उसे इस तरीके का समृद्ध पति मिलने जा रहा है या दूल्हा मिलने जा रहा है जो बिना दहेज के भोली से शादी करने के लिए तैयार है। इस तरीके से उसकी माँ एग्री थी, चाहती थी कि विशंबर की शादी भोली से हो जाए, जबकि विशंबर भोली में उम्र से बहुत 3 गुना था, मतलब भोली के फादर की उम्र का था, तो भी उसकी माँ ने ये देखे बिना ही भोली की शादी उससे करवाने का निर्णय लिया। अब हम बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड। अब ये कुछ थोड़े से लॉन्ग आंसर होंगे जो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द सिचुएशंस इन द क्लासरूम व्हेन भोले अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम। जब भोले को पहली बार स्कूल के लिए लेकर गए उसके फादर, तो उसने स्कूल में क्या क्या देखा, क्वेश्चन ये कहता है। आंसर है When भोली reached school, जैसे ही भोली अपने नई स्कूल पहुंची, पहली बार वो स्कूल के अंदर गई with his father, क्योंकि उसके फादर ही भोली को लेकर गए थे स्कूल के अंदर। The childrens were already in their classes, तो बच्चे सब अपनी अपनी क्लासेस में बैठे हुए थे, काफ़ी सारी लड़कियां थी वहां पर, कई सारे रूम भी बने हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, हेडमिस्ट्रेस होती है स्कूल की प्रिंसिपल, जो लेडी होती हैं, और स्कूल के प्रिंसिपल को हेड मास्टर कहा जाता है। तो रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को दे दिया कि अब आप जानो अपनी भोली को संभालो। There were many rooms in the school. स्कूल में जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी क्लासेस होती हैं, हमारी स्कूल में भी रहती हैं, उसी तरह भोले की स्कूल में भी कई सारी क्लासेस थी। Girls were squat on the mats. लड़कियां जो थी दरियों पर या चटाई के ऊपर क्लासेस में बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और सारी लड़कियां अपनी अपनी किताबें खोल के कुछ पढ़ रही थी। इस तरीके से भोली ने सारी की सारी चीजें क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर ऑब्जर्व की, देखी, क्योंकि भोली इससे पहले कभी स्कूल नहीं गई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज अ फ्यू ईयर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था, देखा था वीडियो में कि कुछ ही सालों के अंदर भोले में भी चेंज आया था, तो उसके गाँव में भी चेंज हुआ था, तो पहले के गाँव में क्या चेंजेस आए कि वो अब नया गाँव लगने लगा, तो हम देखते हैं। पहला चेंज क्या आया, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, छोटा सा जो गांव था अब वो कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, छोटी प्राथमिक स्कूल जो थी अब वो सीनियर स्कूल में बदल चुकी थी गांव में। देयर वाज अ सिनेमा, और एक सिनेमा हॉल भी खुल चुका था पिक्चर देखने के लिए। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द स्टेशन, और जो ट्रेन आती थी वो भी अब स्टेशन पर रुकने लगी थी। इसका मतलब गांव में भी तरक्की हुई थी, डेवलपमेंट हुआ था, और भोले की जिंदगी में भी डेवलपमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, Why did रामलाल placed his turban at the विशंबर's feet? विशंबर जिसके साथ भोले की शादी होने वाली थी, शादी के वक्त ऐसा क्या हुआ कि रामलाल जो भोले के फादर थे उनको अपने सिर की पगड़ी उतार कर विशंबर के पैरों में रखनी पड़ी। देखते हैं आंसर। When विशंबर demanded dowry of rate 5000, उसी वक्त शादी के दौरान जब वरमाला हो रही थी, तो विशंबर ने भोली का चेहरा देखा और उसे लगा कि इतनी बदसूरत लड़की से मेरी शादी हो रही है, तो क्यों ना मैं इसके पापा से पैसे मांग लूं। तो विशंबर ने उसी समय शादी के वक्त ही 5000 रुपये रामलाल से मांगे, भोली के फादर से मांगे। एंड रिफ्यूज टू मैरी टिल हिज डिमांड इज मेट, और जब तक शादी करने से मना कर दिया तब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो, मतलब जब तक भोली के फादर रामलाल विशंबर को 5000 रुपये नहीं देंगे तब तक वो शादी भोली से नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा। सो रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट हिज फीस, तो रामलाल ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए गांव वालों के सामने अपनी पगड़ी उतार के विशंबर के पैरों में रख दी और उसे रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी तरीके से शादी कर ले, और इसके बदले में उन्हें 2000 रुपये भी दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। तो भोली ये सब कुछ देख रही थी, उसी की शादी हो रही थी, तो भोली ने विशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया। पहले विशंबर मना कर रहा था क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए थे, अब भोली ने विशंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया। क्यों किया? भोली रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। भोली रिफ्यूज फॉर मैरिज, भोली ने शादी से इनकार कर दिया। बिकॉज विशंबर वॉज अ मीन ग्रीडी एंड कवर्ड मैन, विशंबर जो था बड़ा ही नीच आदमी था, बड़ा ही लालची था, ग्रीडी बड़ा ही लालची था और बिल्कुल भी बहादुर नहीं था, बड़ा ही डरपोक टाइप का था, उसमें कोई भी अच्छे गुण थे ही नहीं जो भोली उसे शादी करे। ही डिमांडेड डॉरी ऑफ रेट 5,000 और साथ में शादी के वक्त ही उसने 5,000 रुपये की भी भोली के फादर से क्या रखी, डिमांड रखी। एंड ट्राई टू ह्यूमिलेट हिज फादर अमंग ऑल, ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमान करना, और भोली के फादर रामलाल का पूरी सभा के अंदर मतलब पूरी बरातियों के बीच के अंदर अपमान भी किया, और भोली अपने फादर की इज्जत को जाते हुए नहीं देखना चाहती थी और ना ही इस तरीके से लालची आदमी के साथ शादी करना चाहती थी, क्योंकि भोली कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, उसे सही और गलत का डिसीजन लेना आ चुका था क्योंकि वो एजुकेटेड थी उस वक्त जब उसकी शादी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर पार्टी देखते हैं, जिसमें अब हम कुछ लॉन्ग आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। करेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र के बारे में उसका वर्णन करना है कि भोली कैसी थी, उसने क्या किया, पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। आंसर मैंने कुछ पॉइंट्स के अंदर लिखे हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भोली रियल नेम वॉज सुलेखा, भोली का असली नाम सुलेखा था, लोग उसे भोली कहते थे पर उसका बचपन का असली नाम सुलेखा था। When she was of 10 month old, her head damaged, therefore she remained a backward child. 10 महीने की जब भोली थी तो चारपाई से गिर गई और चारपाई ऊपर गिरने की वजह से ब्रेन का जो दिमाग था मतलब ब्रेन जो था उसका डैमेज हो चुका था, जिस वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, मतलब दूसरे बच्चों के कंपेयर में वो थोड़ी विकसित नहीं हो पाई। द एज ऑफ 2, हर फेस डिसफिगर्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर दूसरी विपत्ति क्या आई उसके ऊपर, जब वो 2 साल की हुई भोली तो उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स हो गए, चेचक हो गया, जिस वजह से उसका चेहरा बदसूरत हो गया, काले काले चेहरे पे निशान रह गए, जिस वजह से भोली दिखने में भी सुंदर नहीं लगती थी और हकलाती भी थी, स्टैम्बर्ड भी वो करती थी। She was a youngest child in her family but neglected at home. वो अपने परिवार में सबसे छोटी सदस्य थी, सबसे छोटी बेटी थी, फिर भी घर में उसका ख्याल नहीं रखा जाता था, उसको neglect कर दिया जाता था, मतलब उसकी कोई परवाह नहीं की जाती थी घर में। She got education and true love for her teacher. उसके बाद जब फादर उसे लेकर गए पढ़ने के लिए स्कूल में, तो उसे एजुकेशन मिली और एजुकेशन के साथ साथ उसे ट्रू लव भी मिला, साथ मिला, प्यार मिला अपनी टीचर का, जो उसे बहुत ही प्यार से स्कूल में रखती थी। By education she got confidence. जैसे ही भोली कई सालों तक स्कूल में पढ़ती रही तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बोल्ड, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड बन चुकी, साहसी बन चुकी थी, एंड रिस्पेक्टिंग गर्ल, और भोली को अपने रिस्पेक्ट भी समझ में आने लगी थी, सब लोग भोली का रिस्पेक्ट करने लगे जब उसमें एजुकेशन भर गई। बाद में जब उसकी शादी की बात हुई विशंबर से, शी रिफ्यूज टू मैरी विद विशंबर, उसने विशंबर से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि विशंबर जो थे उसके फादर से डॉरी मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे और उसे ह्यूमिलेट भी कर रहे थे, फादर की बेइज्जती भी कर रहे थे। एट द एंड शी प्लान टू वर्क इन हर स्कूल, जब शादी से उसने मना कर दिया तो शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद रामलाल ने जब पूछा अब तुम क्या करोगी भोली, तो भोली ने कहा कि मैं बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में टीचर बनकर पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़कर बड़ी हुई हूँ, और अपने लास्ट में उसने उसी स्कूल में टीचर बनकर काम करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। जैसे ही विशंबर का प्रपोजल आया शादी के लिए तो उसके पेरेंट्स ने झट से हाँ क्यों कर दी, क्यों इतने बड़े उम्र के आदमी से भोली की शादी करवाने के लिए उसके पेरेंट्स जल्दी मान गए। आंसर है भोली हैड नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, भोली सुंदर भी नहीं थी और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थी, ऐसा उसका पेरेंट्स मानते थे। शी ऑल्सो स्टैम्बर्ड, बोलते वक्त वो हकलाती भी थी, सारी कमियाँ थी भोली के अंदर। हर पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, उसके फादर ने जैसे विशंबर का प्रपोजल आया वो एक्सेप्ट कर लिया उसके पेरेंट्स ने। बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप, क्योंकि विशंबर की एक बहुत बड़ी क्या थी, दुकान थी, वो बहुत बड़ा नामी सेठ था, उसकी ग्रोसरी की शॉप थी और एक बड़ा हाउस भी था और एक अच्छा बैंक बैलेंस भी विशंबर के पास में था, तो विशंबर जो था वो बड़ा अमीर था, तो
इसके भोली के पेरेंट्स को लगा कि हमारी बेटी को कोई भी धन की कमी नहीं होगी क्योंकि उसके पास बड़ी दुकान है, एक अच्छा घर है और अच्छा बैंक बैलेंस भी है। ही डिड नॉट नो अबाउट भोली सिचुएशन, और बिशंबर दूसरे गांव से था इसलिए वो भोली की सिचुएशन के बारे में, उसकी हालात के बारे में जानता भी नहीं था कि भोली दिखने में सुंदर नहीं है या वो हकलाती है, क्योंकि बिशंबर भोली से मिला ही नहीं था। इसलिए उसके पेरेंट्स को लगता था कि हम बिना कुछ बताए भोली की शादी बिशंबर से कर देंगे। ही डिड नॉट डिमांड डॉरी, और इसके साथ ही बिशंबर दहेज की भी मांग नहीं कर रहा था लेकिन शादी के वक्त वो करने लगा था। भोली वाज द अगली, भोली दिखने में बड़ी बदसूरत थी। नो बडी वॉज विलिंग टू मैरी हर, कोई भी उसे शादी नहीं करेगा ऐसा उसके पेरेंट्स सोचते थे। सो हर पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, तो उन्हें लगा कि भोली के लिए यही रिश्ता ठीक रहेगा इसलिए हमें भोली की शादी बिशंबर से करवा देनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बिशंबर बहुत ही ज़्यादा लालची है, वो उसने शादी के वक्त दहेज मांग के दिखा दिया था। लास्ट क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, What was the role of the school teacher in the Bholi life? जब भोली स्कूल में पढ़ने गई पहली बार, तब से लेकर जब वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी, तो स्कूल टीचर ने उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन किए? तो हम सभी जानते हैं स्कूल टीचर की इफ़ेक्ट से ही, स्कूल टीचर की हेल्प से ही भोली जो है वो बहुत जो मतलब पढ़ पाई और आगे बढ़ पाई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल टीचर का भोली की ज़िंदगी में। भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, भोली को घर में कोई भी पसंद नहीं करता था, उसकी बहनें भी नहीं, उसके पेरेंट्स भी नहीं, क्योंकि वो स्टैम्बर्ड करती थी, दिखने में भी सूरत बदसूरत थी। लेकिन जब भोली ने स्कूल में एडमिशन लिया, इन द स्कूल शी गॉट लव, स्कूल में आते ही उसे प्यार का एहसास होने लगा, उसे प्यार मिला अपनी टीचर से, अफेक्शन स्नेह मिला, प्यार स्नेह ममता जो सारे शब्द एक बच्चा बचपन में सीखता है या फील करता है, उसे भोली स्कूल में जाकर सीखने लगी। स्कूल में जाने पर भोली की जो टीचर थी वो भोली से बड़े प्यार से बात करती थी, उसके सिर पर हाथ फेरती थी और उसे प्यार भी करती थी स्कूल के अंदर। हर टीचर इंकरेज्ड हर टू स्पीक लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, उसकी टीचर उसे इंकरेज करती थी, उससे मतलब बढ़ावा देती थी कि वो बोलने की कोशिश करे। अब कोई बात नहीं, अगर वो हकला रही है तो धीरे धीरे उसका हकलाना भी कम हो जाएगा। तो भोली ने अपने टीचर की बात को सुना, उनकी बातों से वो इंस्पायर्ड हुई और धीरे धीरे वो बोलने की आदत उसने डाल ली। शी ऑल्सो हेल्प भोली टू गेट एजुकेशन, वो भोली की पढ़ाई में भी मदद करती थी, भोली की टीचर भोली की पढ़ाई में भी उसकी मदद करती थी, उसे नए शब्द सिखाती थी, बुक को पढ़ना और लिखना भी सिखाया था। इट डेवलप कॉन्फिडेंस इन भोली, और ऐसा करते करते भोली जो थी रेगुलर पढ़ाई करने लगी और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास भर गया, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के सही और गलत डिसीजन को लेने में कामयाब हुई। शी वॉज द कैपेबल बोथ स्पीक एंड टेक डिसीजन ऑफ हर लाइफ, अब वो बोल भी सकती है, लिख भी सकती है, पढ़ भी सकती है और सही और गलत का निर्णय भी अपनी ज़िंदगी में ले सकती है। और सिर्फ एजुकेशन के बिहाफ पर ही उसने बिशंबर से शादी करने से भी मना कर दिया था क्योंकि वो जान चुकी थी बिशंबर जो है उसके लायक नहीं है। इस तरीके से टीचर का रोल हमारी ज़िंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि शिक्षा का है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सर डिस्कस किए हैं। इससे पहले आप पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।